हम अगले 7 दिन इस बड़े से अंडरग्राउंड सिटी में बिताने जा रहे हैं। आखिर इस जगह को बनाया किसने? हालांकि ये जगह फ्यूचर के किसी शहर जैसी दिखती है, लेकिन ये शहर एक खदान के अंदर बनी है जिसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। और ढेर सारी डरावनी सुरंगों और चेंबर्स के बीच कौन जानता है कि हमें क्या क्या भयानक चीजें दिखेंगी। ये है वो सीढ़ियाँ जिनसे शहर में उतरा जाता है। ये सीढ़ियाँ कितनी पुरानी है? हमसे भी पुरानी। ठीक है, अब जब हम यहाँ आ गए, ऊपर देखो छत कितनी ऊँची है। हम अभी जमीन के 400 फीट नीचे हैं और यहाँ एक पुराना गांव बना है। यकीन नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब रोमानिया पर बमबारी हो रही थी, तब हजारों लोग यहाँ छुपे थे और अब यहाँ बस कुछ यूट्यूबर्स रहते हैं। और जल्द ही हमें रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। मुझे लगता है कैंप यहाँ डालना चाहिए। ठीक है बॉस। हमारा सारा सामान वहाँ ऊपर है। कैंप के लिए जगह तय करने के बाद हम ऊपर सामान लेने गए और हम सब ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर इन बैग्स को नीचे पहुँचाने का सबसे बढ़िया रास्ता खोजा। ओ, ये हुई ना बात, ठीक निशाने पर। हमने अपना सारा सामान पानी से निकाल लिया है। इस चैलेंज के लिए हमारे पास है बैग्ड फूड और हम सब ने अपना एक पर्सनल बैग भी लाया है। तुम्हारे बैग में क्या है काल? किसी और के बैग में झांकूं? आप समझ गए होंगे। और जानते हैं सबसे क्रेजीएस्ट बात क्या है? हमने इस अंडरग्राउंड सिटी को देखना बस शुरू ही किया है। हमारे चारों ओर की इन ऊंची दीवारों के पीछे है सुरंगे। यहाँ एक चेंबर भी है जो इस वाली गुफा जितना ही बड़ा है। कहाँ? क्या? हालांकि ये लोग ये नहीं जानते कि मैं हर दिन एक फेमस यूट्यूबर को उन सुरंगों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ लाने वाला हूँ। लेकिन हमारे साथ जितने ज्यादा यूट्यूबर्स जुड़ेंगे, इस शहर में उतना ही ज्यादा हंगामा होगा। बोलो, तुम यहाँ अभी अभी आए हो दोस्त? हम आज थोड़ी जल्दी सोएंगे क्योंकि कल सुबह मेरे पास सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। गड़बड़ लगती है। अंडरग्राउंड सिटी में डे 1 तो आराम से गुजर गया। अब मिलते हैं अगली सुबह। गुड मॉर्निंग। जाना जरूरी था। आज का दिन बढ़िया होगा। सुबह सबसे पहले मैं एक बड़े अनाउंसमेंट के लिए सबको लिफ्ट के पास ले गया। आज से हर सुबह एक फेमस यूट्यूबर हमारे साथ जुड़ेगा और हमारा सरप्राइज गेस्ट जो लिफ्ट से नीचे आ रहा है वो है जेडियन। तुम्हारा स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। ये तो एक असल शहर है। वाह, यहाँ तो एक फेरिस व्हील भी है। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तो हम अब तक इन सीढ़ियों पर नहीं चढ़े। और क्या ये आपके द्वारा देखी गई अब तक की सबसे डरावनी सीढ़ियाँ नहीं है? बॉयज, यहाँ ऊपर आओ। लेजर बीम को ऊंचाई से डर लगता है। तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आज हम तुम्हारे ऊंचाई के डर को निकालेंगे। ओह माय गॉड, तुम इतने शांत कैसे हो? अगर मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन चिंता नहीं करूंगा। हे भगवान। ठीक है, मैंने एक्सप्लोर करने के लिए एक लैंटर्न जला ली है। अब मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे से राइट मुड़ते ही हमें ये खतरनाक दरवाजा मिला। अंदर जाना मना है। रुको, बिल्कुल नहीं। रुको, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको काल। नहीं, ऑलराइट गाइस, सेफ लग रहा है। हमें इस बात का पूरा यकीन है ना कि यहाँ नीचे कोई नहीं रहता। पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये जगह लग तो बहुत डरावनी रही। Oh, no. इन बोर्ड्स पर या तो अंदर मत जाना ऐसा लिखा हुआ था जिसे किसी ने फाड़ दिया। वही लिखा होगा। या ये सब सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। मुझे लगता है ये सिर्फ डेकोरेशन है। आओ मेरे पीछे। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। hey, सब सुनो, हजार सालों से इन्होंने इस सॉल्ट माइन से नमक निकाला है। ये है एक डार्क चॉकलेट सी सॉल्ट फीस्टिबल्स बार। मेरी बात सुनो, हम सी सॉल्ट बार पर और नमक डाले तो क्या होगा? सीधे सोर्स से। ये तो बहुत अच्छा है। वो, ये काफी अच्छा है। और कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये सीढ़ियाँ कहाँ ले जाएं? मुझे नहीं पता। और ऐसी जगहों पर जाना जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। रुको, इस पर क्या लिखा? अंदर मत जाना। इसका क्या मतलब? काल, अपने हाथ ऐसे रखो। डूड, शायद हम ये कैमरा पर नहीं दिखा सकते। ये सुरंगें भयानक तो थी, लेकिन इनसे भी ज्यादा डरावनी एक गुफा आगे आने वाली थी। लेकिन पहले हम कैंप में सोने के लिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जेडियन आज हमारे साथ सोएगा। कल का दिन मजेदार होगा, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाला है। तो फिर मिलेंगे अगली सुबह। चलो, डे 3 शुरू हो गया और तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। चलो देखते हैं आज के दिन का स्पेशल गेस्ट कौन है। उन्हें नीचे भेजो। परछाई दिख रही है, देखो वहाँ है वो। क्या वो गाय है? क्या शायद स्पीड है? मुझे दो परछाइयां दिखी। दो गेस्ट आ रहे हैं। आज के दो गेस्ट हैं सैम एंड कोल्बी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सैम और कोल्बी सुनसान और भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करने में एक्सपर्ट्स हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारे हजार साल पुराने टनल सिस्टम एक्सप्लोरेशन के बारे में वो क्या सोचेंगे। हम कहां जा रहे हैं? देख रहे हो ये सीलिंग कितनी ऊपर है? तो वहां पर एक खिड़की है जिससे तुम नीचे देख सकते हो। और मैं लैनन का रिएक्शन देखना चाहता हूं क्योंकि वो ऊंचाइयों से डरता है। दूसरी तरफ बाकी लोग हमारा बेस कैंप अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तुम वहाँ काम करोगे और तुम वहाँ पर काम करोगे, ठीक है? ओ, तुम एक सुपरवाइजर हो? हाँ। इसे खुद पता नहीं और हमें ऑर्डर दे रहा है। काम पर लगो, काम पर लगो। हम पहले से ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सुरंगों को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल होगा।
मुझे लगता है सैम और कोल्बी को आगे जाना चाहिए क्योंकि इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमें डरावने टनल्स पसंद है। ओ अब समझा। हाँ आगे बढ़ो। तुम धीरे धीरे पीछे हट रहे हो। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। ओ यहाँ दो रास्ते। इस तरफ। काल चलो चलो मैंने कोल्बी को डरा दिया। मेरी जान ही बाहर आ गई। खैर हम तब तक चलते रहे जब तक हम इन डरावनी सीढ़ियों के पास नहीं पहुंच गए। मुझे डर लग रहा है। ओ यहाँ पर एक बड़ा सा क्रॉस रखा है। रुको 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 सच में इस क्रॉस का यहाँ होना मतलब क्या? इन सॉल्ट माइंस के बारे में हम जो एक बात जानते हैं वो ये है कि यहाँ एक कहावत है, यहाँ एक आत्मा देखी गई थी और लोगों ने उस जगह पर एक बेड़ी बनाई क्योंकि वहाँ पर डरावनी घटनाएं घट रही थी। ये वही जगह है। सुनकर मजा आ गया। चलो आगे बढ़े। वो यही वो छेद है जो कैंप की ओर जाता है। ओ ये वही छेद है। मुझे लगता है फेंस लगाने के पीछे कोई वजह होगी। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? मैं यहाँ से देखूंगा। डूड मुझे हमारा कैंप दिख रहा है। वो देखो शॉन। ओ वो लोग हमारे ऊपर है। क्या चल रहा है? हमारे पास एक शॉवर है दोस्तों। क्या उसने कहा हमारे पास शॉवर है? ओ? ये तुमने कैसे किया? पहले हम ढक्कन से एक शॉवर हेड बनाएंगे और फिर पानी के जग को लटका देंगे। लैनन आओ यहाँ कर देखो। हाँ आ रहा हूँ। लैनन तुम ऊंचाई से इतना नहीं डर सकते। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये ठीक है। नहीं 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 कोई मुझे छूना मत। हम अपने डर का सामना कर रहे हैं। अब 50% माइंस को एक्सप्लोर कर लेने और अपने बदबूदार शरीर को धोने का एक तरीका निकाल लेने के बाद ये अंडरग्राउंड सिटी फलने फूलने लगी। लेकिन अब भी करने के लिए बहुत कुछ था क्योंकि अगली सुबह हमें स्वागत करना है हमारे डे 4 के खास गेस्ट को। लिफ्ट से नीचे भेजो। उसकी हाइट कम है। जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्विच स्ट्रीमर है। तुम्हारा स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। गाय मैं चाहता हूं कि तुम जितना जोर से हो सके कूदो और पैर पटको। ये क्या जगह है? गाय तुम्हारे आने पर हमारा परिवार बढ़ गया। क्या बात है। और हमारे बीच कोई भी चीज नहीं आने वाली। क्या ये कोई वार्निंग है? तुम यहाँ अभी अभी आए हो। चलो चलो जल्दी भागो। गाय मैंने खास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट टनल बचाकर तो चलो उसे एक्सप्लोर करें। तो इन नावों के जरिए हमने ये अंडरग्राउंड झील पार कर ली। सही सुना आपने, ये झील जो अंडरग्राउंड है और इसके दूसरी तरफ वो दूसरी बची हुई सुरंगें इस छेद के उस पार थी। काल को पहले जाना चाहिए। मैं पहले जाऊंगा। वो इस होल में एक दरवाजा। उस दरवाजे के पीछे क्या? हमें अंदर जाना ही होगा। बहुत मजा आएगा। तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो। ओह माय गॉड। तो शॉन से थोड़ी मदद पाकर हम एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। फिर मिलेंगे शॉन। मैं ये अक्सर फिल्मों में देखता हूँ। जैसे ही हम दरवाजे से अंदर जाएंगे हम मर जाएंगे। तो फिर हम क्या करें? हमें सीधे जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट हमेशा राइट ही रहता है। तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से हमें एक यू टर्न लेना होगा। सीधे जाने की बजाय हमें 5 कदम पीछे लेने हैं। ठीक है। तो इस डरावनी सुरंग से होकर गुजरने के बाद वो रुको क्या हुआ? हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने मुझे बताया कि यहां एक और गुफा है जो पहले वाली गुफा जितनी ही बड़ी है। तो मैंने सोचा कि यहां दुनिया की सबसे चमकीली टॉर्च लाए तो मजा आ जाएगा। क्या कितना बड़ा है। यकीन नहीं होता। हे रुको संभल कर पैर फिसल जाएगा। हाँ मैं कूदने वाला हूँ। तुम कूदने वाले हो? बाय गाइस। गाइस कहाँ जा रहे हो? अगर वो बच गया तो। हाँ ये कूल है। एक साथ एक साथ। वो हेलो क्या सच में ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ हूँ? अब जब वो सब गुफा के बीच में है मैं उन्हें डराने के लिए टॉर्च बंद कर रहा हूँ। तैयार? तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं। वो छोड़ जा रहे हैं। ए रुको रुको प्लीज। चलो 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 रुक जाओ। उन्हें बंद कर दो। वो हमें छोड़ रहा है। ओह गॉड। फिर मिलेंगे। दरवाजा खोलो। तुम काल का हाथ तोड़ दोगे। खींचो खींचो खींचो। मैं छोड़ रहा हूँ। Hey man, क्या क्या मतलब क्या? हमें छोड़कर भाग रहे थे? नहीं तुम्हें ही कहा ना फिर मिलेंगे। कौन? तुमने? नहीं उसने रात भर फंसाने की कोशिश की। नहीं नहीं तुम वहीं नीचे पड़े रहो। तो दिन भर की लंबी एक्सप्लोरेशन के बाद तनाव बढ़ने पर हमने रात कैंप में ही बताने का तय किया। पर काल फिर से हमला करने वाला था और इस बार जिरियन की मदद से। हम बाकी टीम पर प्रैंक करने वाले हैं। सब लोग इस वक्त सो रहे हैं। हम इस पुतले को ब्रिज के यहाँ खड़ा करेंगे और उसके पीछे ये स्पीकर रख देंगे। हम काय का गाना बजाने वाले हैं। बस डाउन रॉली एवलांच। तैयार हो ना? हाँ लगता तो है। क्या हम पर हमला हो रहा है? वो मेरा गाना बजा रहे हैं। ये तुम्हारा गाना है? हाँ ऊपर वो लाइट देख रहे हो? वो वहाँ ऊपर।
कम से कम ये गाना तो अच्छा है। जिसने भी ये किया है उसने बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया है। कल तुम क्या करोगे अपना बदला लेने के लिए? मैं उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं उन्हें और उनके पूरे परिवार का अस्तित्व मिटा दूंगा। दोस्ती टूट रही है, दुश्मन बनाए जा रहे हैं। ये आखिरी कुछ दिन काफी दिलचस्प होने वाले हैं। मैं चला वापस सोने की कोशिश करने। मैं अभी जाग रहा हूँ। कल रात कार्ल ने जो किया उसके बाद सब अभी तक सो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा गेस्ट आने वाला है। वो अभी लिफ्ट से उतर रहा है। यो, कैसे हो दोस्त? ये लोगन पॉल है। वैसे तो जिम यहाँ पर टूट देता है, लेकिन अभी वो सो रहा है। तुम उसे जाकर जगा सकते हो? हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ, तुम चाहो तो कर सकते हो। अयो, गुड मॉर्निंग लोगन, क्या चल रहा है? लगता है चैनलर को तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो। हमारे डे 5 का गेस्ट है WWE सुपरस्टार लोगन पॉल। लेट्स गो। इस वीडियो में मैं बस ये देख रहा हूँ कि मैं कितने फेमस लोगों को इस गड्ढे में घसीट सकता हूँ। हे दोस्तों, जानते हो यहाँ कौन नहीं है? कार्ल, जीडियन। कल रात कार्ल और जीडियन ने ही हम पर प्रैंक किया था, और मुझे लगता है कि तुम सब सहमत हो गए अगर मैं उन्हें निकाल दूँ। ये कार्ल का बेड है, उसे अब इसकी क्या जरूरत? उम्मीद है वो जहाँ सो रहा है वो जगह कम्फर्टेबल हो। मैं वैसे भी उससे तंग आ चुका था। ठीक है, लेजर बीम थोड़ा पागल हो रहा है। एक आखिरी बात, लगता है कार्ल अब तक सो रहा है, हम उसे जगाने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मुझे आज लोगन पॉल ने उठाया। कार्ल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम नींद में हो, लेकिन बस यहाँ आ जाओ, ठीक है? तो मैंने तुम्हारा बिस्तर पानी में फेंक दिया। डूड, मुझे अंडरग्राउंड सिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस प्रैंक वॉर से कुछ लोग परेशान होने लगे थे, इसीलिए काय ने मौका देखकर सिटी का मेयर बनने का फैसला किया। क्या किसी को मेरे मेयर बनने से तकलीफ है? मेरे हिसाब से यहाँ सबसे कम हाइट वाले को मेयर बनाना चाहिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शहर में ऑर्डर लाने के लिए मेयर काय ने सबसे पहले जेडियन और कार्ल को कल रात के प्रैंक के लिए सजा दी। और मैं आपको वार्न कर दूं, इस शहर की पॉपुलेशन अब कुल मिलाकर 9 यूट्यूबर्स की है। यानी आप आगे जो कुछ भी देखेंगे वो काफी केओटिक होगा। ठीक है, तुम लोग लिफ्ट में सोओगे। लिफ्ट में? अगर वो लिफ्ट में होंगे तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? हमें 15 सीढ़ियां चढ़नी होगी। कार्ल, तुम सोच नहीं रहे हो। ब्रो, तुम अभी अभी यहाँ आए हो। तुम भी यहाँ कल रात ही आए थे। ब्रो, ये वेयर क्यों है? मुझे ये नहीं चलेगा। ठीक है, हमें ऑर्डर्स को मानना चाहिए। तुम दोनों आगे बढ़ो और अपना सामान लिफ्ट में ले जाओ। इस डिक्टेटरशिप के मजे लेना। और तुम एलिवेटर में मजे करना। लिफ्ट में मजे करना। ऐसे सो तो ये एक महल से कम नहीं लग रहा है। और मैं ऐसे सो जाऊं तो भी एक लिफ्ट ही है। अब जब अपराधी चले गए हैं काय, तुम क्या करना चाहते हो? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास सामान रखने की जगह होनी चाहिए, जिसे हम वहाँ बनाएंगे। तो हम अपना सामान अपने बिस्तर से दूर रख रहे हैं, वो भी बिना किसी कारण? हाँ, क्योंकि ये काय का हुक्म है। अतः इससे कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही फालतू तकलीफ उठा रहे हैं। ठीक है, शायद काय को मेयर बनाना एक इतना अच्छा आइडिया नहीं था। तो काय की कुछ और बेमतलब की मांगों को पूरा करने के बाद मैं अपने डे वन बॉयज के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए निकल गया। ठीक है, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो हमने इस अंडरग्राउंड सिटी की लगभग हर सुरंग को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन मेरे पास यहाँ एक और स्पेशल टनल है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये डेड एंड दिख रहा है? अगर मैं कहूँ कि ये डेड एंड नकली है तो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ये क्या है? शाबाश। इस नकली दीवार के पीछे एक बड़ी सुरंग है। लेकिन ये सुरंग जाती कहाँ है? चलो पता लगाएं। क्या आप मानेंगे, ये सुरंग इतनी बड़ी थी कि हमें वहाँ भागकर जाना पड़ा। कब पहुँचेंगे? मैंने आज तक इतनी बड़ी सुरंग नहीं देखी। मुझे रोशनी दिख रही है। और इस सुरंग के एंड पर है ज़ैक्सबीज, जिसे मैंने बनाया। ब्रांड न्यू मिस्टर बीस्ट बॉक्स हर ज़ैक्सबीज में अवेलेबल है, और ये आता है एक फेस्टिवल्स बार के साथ। और इसी बीच कैंप में बैठे बाकी लोगों के पास बहुत खाली वक्त था। मुझे लगता है कि हमें उनके बेड्स को ब्रिज तक ले जाना चाहिए। वहाँ डे वन वाले लोग रहेंगे और यहाँ नए गेस्ट। चलो शुरू करें, चलते हैं। लेट्स गो। ये जिमी का है। और फिर मैं लेजर का बेड लूंगा। मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ कभी नहीं हुआ। मिस्टर बीस्ट बॉक्स आता है बढ़िया चिकन और आपके मन पसंद ज़ैक्सबीज साइड्स के साथ, और ये हमेशा के लिए गायब होने वाला है। तो अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया तो जल्दी से कर लो। ज़ैक्सबीज के पास ढेर सारे सॉसेस भी है। ये काफी अच्छा है। ये सॉस बेस्ट। हाँ, यहाँ पर परफेक्ट। अरे नहीं। अक्टूबर के पहले 30 दिनों के लिए हम हर दिन फेस्टिवल्स खरीदने वाले लोगों में से किसी एक को चुनकर उसे $10,000 देंगे, और हैलोवीन की रात हम एक लकी विनर को देंगे पूरे $1,000,000। बस एक फेस्टिवल्स बार पकड़े फोटो अपलोड करना और फेस्टिवल्स को टैग करना। इन मिस्टर बीस्ट बॉक्सेस में मौजूद फेस्टिवल्स बार का इस्तेमाल करके भी गिव अवे में भाग लिया जा सकता है। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। मौका ना छोड़ना, जब तक हो सके ज़ैक्सबीज से मिस्टर बीस्ट बॉक्स खरीद लेना। शायद हम सबके दिमाग में एक ही बात है, शहर के बाकी लोगों को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं। हमने ज़ैक्सबीज नहीं खाए। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि क्या होगा जब हम कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही बिना किसी काम के अकेला छोड़ दे। तुम लोगों ने स्की मास्क क्यों पहन रखे हैं? जब तुम लोग चले गए तो हमने सोचा कि हमें इस शहर को बेहतर बनाना चाहिए, तो हम अपने किए गए नए परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए एक टाउन हॉल मीटिंग बुला रहे हैं। उम्मीद है बदलाव अच्छे हो। तुम लोग तैयार हो? काय, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वागत है यॉर्क न्यू सिटी में। ये है अभी का हाल। सारा सामान यहाँ वहाँ है, बहुत बेकार लग रहा है ना? अगले स्लाइड पर जाओ। आज से हमें यहाँ न्यू जैन को रहने देना चाहिए। तो फिर डे वन वाले लोगों का? तुम लोग अब से ब्रिज पर रहोगे।
लेकिन हमारे पास मास्टर बेडरूम है और कोई एक राफ्ट पर सोएगा। ठीक है, मैं और नहीं सह सकता। डे वन वालों चलो, चलो चलो, मैं डे वन वाले लोगों को ले जा रहा हूँ। कम ऑन लेट्स गो। मजे करना, रुको, कहाँ जा रहे हो? हमसे पहले बेस तक पहुँचने नहीं दे सकते। नहीं 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 शॉन, रुक तू ने शॉन। गाय, हम सब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? तुम एक डिक्टेटर बन चुके हो। क्या? हाँ, और वो भी बहुत जल्दी। हम अपने बेड्स यहाँ ला रहे हैं। मैं हार मानता हूँ, नहीं बनना मुझे कोई मेयर। एक तो इतनी मेहनत से रूल्स बनाओ, कोई उन्हें फॉलो भी नहीं करता। तुम ठीक हो? शांति के संदेश के साथ मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, आओ मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ लंच लीज रखे हैं। इसमें प्राइम और फेस्टिवल्स दोनों हैं। और इस चीज का टेस्ट असली चीज जैसा है। मस्त है, फायर। ये वाकई बहुत अच्छा है। तुम एक नए लीडर को चुनने, एक भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने और दोबारा दोस्त बनने के बाद हमने आराम से सोने का तय किया। गुड नाइट बदमाशों, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, सब उठ जाओ और चलो अब जल्दी से सब मुझे लिफ्ट के यहाँ मिलो। क्या लगता है इस अंडरग्राउंड सिटी में आने वाला अगला मशहूर यूट्यूबर कौन होगा? मुझे लगता है कि वो आई शो स्पीड ही होगा। वो अभी रोमानिया में स्ट्रीमिंग कर रहा है, या फिर सभी साइडमैन, जिंक्सी भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं वो कौन वो स्पीड है। मैं बता सकता हूँ, लिफ्ट नीचे भेजो। बहुत बड़ा बॉक्स है। लड़की हुई तो? ओ, लड़की भी हो सकती है। सेवन डेज अंडरग्राउंड सिटी के हमारे डे सिक्स का स्पेशल गेस्ट है। ये हुई ना बात। उस बड़े बॉक्स में है क्या आखिर? लेनिन, तुम इस बॉक्स को लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे। इसमें तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें। कहीं से भी खोलो। डे सिक्स के लिए हमारे पास है दो स्पेशल गेस्ट, बिग स्टार और स्पीड। तो बॉयज, तुम्हारा स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। हाँ, हम ये चीज 6 से 7 बार कर चुके हैं, है ना? ठीक है, मेरे पीछे आओ बॉयज। अगर तुम चाहो तो हम इस गुफा की सबसे ऊंची जगह पर जा सकते हैं। बस वादा करो कि तुम लोग कूदोगे नहीं। लेकिन ये ज्यादा ऊंचा नहीं है। रुको, क्या वो पानी है? लेकिन नीचे पानी है। नहीं रुको, ओ सच कहूं तो तुम सब में से बदबू आ रही है बहुत ही ज्यादा। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो, तुम्हें नहीं, नहाने की सख्त जरूरत है। मैंने अभी शॉवर लिया है, पर यहाँ कोई शॉवर्स नहीं है। लेना झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे हो। नहाना ही पड़ेगा। तुम्हारी बदबू कैसी है? हाथ ऊपर उठाओ। झूठ हटो वहाँ से। चाहिए ओल्ड स्पाइस है? हाँ, तुम्हें पता है। हटो बदबूदार कहीं के, अपने हाथ मुझसे दूर रखो। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि विक्स्टर और स्पीड यहाँ सबसे पहले इस अंडरग्राउंड सॉकर अरीना को देखना चाहते थे। तुम लोगों ने अब तक यहाँ खेला या नहीं? नहीं। तुम लोगों ने अब तक यहाँ खेला कैसे नहीं? यहाँ 7 दिनों से कर क्या रहे थे? ब्लू वाले एक टीम बनाओ, चैंडलर, स्पीड, लोगन यहाँ। सारे एथलीट नहीं होने जाओगे ब्रो, ये क्या अनफेयर टीम है। सब बराबर है, अब चलो खेले। कम ऑन स्पीड, यहाँ पर चलो चलो चलो। किक करो, मुझे गोल चाहिए। किक करो जितना जोर से हो सके। कम ऑन। ब्लू टीम जीत गई। चलो टूर जारी रखे। और जब हम गोल्फ कोर्स देखने जा रहे थे तब हमने अपने कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर किया जो शायद ही किसी ने देखा हो। लोगन के पास प्राइम नहीं है, कितनी अजीब बात है। ये मत दिखाना। सॉकर के बाद हमने थोड़ा गोल्फ खेला जिसमें लेजर को आगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने होल इन वन किया तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। यहाँ पर? हम उस बड़े से फेरिस व्हील पर भी चढ़े। बोर होने पर लोग बड़ी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं ना। अगर मैं घायल तो WWE वाले बहुत गुस्सा करेंगे। और हाँ, मेरे फियोन से भी। मैं एक डैड बनने वाला हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? डूड, हमने गुफा की दीवार पर एक वीडियो गेम भी प्रोजेक्ट किया। हम यहाँ इतिहास बना रहे हैं। हम यहाँ गेम खेलने वाले पहले लोग हैं। होल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और आखिर में हम इस गुफा की सबसे ऊंची जगह पर चढ़े ताकि हम दुनिया का सबसे क्रेजीएस्ट कैच गेम खेल पाए। हमें गिरने से रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, ये लकड़ी। ये बहुत हिल भी रही है। चलो अपनी पोजीशंस लो बॉयज, पोजीशंस लो। यो लेजर, इस फेसिबल्स बार को पकड़ने की कोशिश करो। लो पैराशूट से बंधे हैं। और हम कितनी ऊंचाई पर है इसका आप अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि इन फेसिबल्स को नीचे पहुँचने में पूरे 10 सेकंड लगे थे। ओ, वो नीचे आ रहा है। अब हम कुछ मार्शमेलोस गिराएंगे। लोगन, ये रही तुम्हारे लिए एक प्राइम की बॉटल। तुम पकड़ लोगे? Oh my baby, let's go! जाहिर है, प्राइम हो तो वो उसे पकड़ेगा ही। और शहर में आखिरी रात के लिए हमने आराम फरमाने के लिए एम्फीथिएटर में कैंप फायर जलाया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट पार्ट होगा यहाँ से बाहर। यहाँ मैंने जो दोस्त बनाए। मुझे मेयर को उखाड़ फेंकने में मजा आया। ये मेयर क्यों है? डिक्टेटरशिप के मजे लेना। हाँ, मैं हार मानता हूँ, ये बहुत ज्यादा काम है। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था इन सभी यूट्यूबर्स को कहीं दूर नीचे अंडरग्राउंड में खींच कर लाना और उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना। मुझे बहुत मजा आया।
मुझे खुशी है कि तुम सब लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच। और बॉयज, इस अंडरग्राउंड सिटी में हमारे पास बस एक और दिन बचा है और हमने वाकई इस कमरे को पूरी तरह भर रखा है। ठीक है, लाइट बंद करो, कल मिलेंगे डे 7 पर। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। नाइट एवरीबॉडी। घर जाने का वक्त हो गया, जल्दी करो। और पूरा कैंप साफ करने के बाद फाइनली वक्त आ गया था कि हमें अंडरग्राउंड सिटी को छोड़ दे। बहुत मजा आया, मुझे तुम सबकी याद आई। मैं तो अभी अभी आया हूँ, सब जा क्यों रहे हैं? मैं यहाँ बहुत समय से था, मुझे घर जाना है। हम पूरे एक हफ्ते बाद सूरज देख रहे हैं। ओ, ये रोशनी बहुत तेज है। ओ माय गॉड। अब आप भी बाहर जाओ और घास को छुओ।